दोस्तों आप लोग स्वागत है मेरे आज के मैच पे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो द पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं चलो। तो भाई देखो, पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। पहले तो हमें चाहिए कैरेट, ठीक है। अभी रात भी होने वाली है तो कैरेट जल्दी से ले आते। भाई ये बस स्केलेटन खड़ा है, इधर से जाते आप लोग तो कैरेट तो विलेज से मिल जाएंगे आप लोगों को। आप लोग उगा भी सकते हो, यहाँ पर मैंने उगाया है बहुत सारे, ले लेते हैं यहाँ से, लगा भी देते हैं। वो मारी मत। तो भाई हमें कैरेट मिल चुका है, तो अभी देखो क्या करना है। अभी कौन मार रहा है अभी ये लोग? हाँ हाँ सब मिलके मारो, मार ही जाओ ना, मार ही डालो। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बच के। तो भाई देखो, पहले तो हमें कैरेट चाहिए, तो अभी क्या करना होगा हमें, रुको। तो हमें इसको गोल्डन कैरेट में बदलना होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए गोल्ड नगेट, ठीक है। दो है यहाँ पर, शायद से गोल्ड नगेट चाहिए। हाँ अब देखो, एक गोल्डन कैरेट बन रहा है, ठीक है। तो एक एक ही चाहिए हमें, मतलब तीन बार आने के लिए। तो भाई हम इनको रख देते हैं। तो हमें मिल चुका है गोल्डन कैरेट, ये हुआ हमारा इक्विपमेंट। मेरे पास पैसा ही था लेकिन मैंने आप लोगों को बता के दिखा दिया। तो अभी आप लोगों को क्या चाहिए, आई ऑफ स्पाइडर, ठीक है। ये तो स्पाइडर को मारते ही मिलता है, तो ये चाहिए। और हमें चाहिए ब्लेस पाउडर, ठीक है। मतलब हमें इसको बनाना होगा फार्म्ड आई। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लेस डॉट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुगर और ब्राउन मशरूम। तो पैर तो ना सो लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उठ चुका हूँ, दिन हो चुका है, तो वही कैरेट्स खा लेते हैं। और अगर आप इन आइस को खा लेते हो ना, तो आप लोगों को पॉइजन लग जाएगा, समझ गए, विदाउट पॉइजन ऑफ पॉइजन। अगर आप लोग को वो भी जानना है कि कैसे बनाना है द पोर्शन ऑफ पॉइजन, तो मैं वो भी बना के दूंगा, ठीक है। तो शुगर तो हमें मिल चुका है, और हमें चाहिए वो ब्राउन मशरूम। तो ये आप लोग को केव्स में मिल जाएगा या फिर ऐसे ही कहीं पर तो मिल जाएगा, मैंने तो यहाँ पर लगा के रखा है हर जगह पर। तो एक चाहिए हमें ये, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग मशरूम्स को लगा सकते हो छाव में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर छाव है पेड़ के नीचे, इस जगह पर लगा सकते हो। केव्स में भी लगता ही है, स्टोन के ऊपर भी लगता है। तो भाई अभी क्या करना है, पहले तो हमने जो लिया है शुगर कैन, उससे हमें शुगर बनाना है, ठीक है। शुगर बनाने के बाद अभी क्या करना है, इससे क्राफ्टिंग टेबल पर जाना है, यहाँ पर फार्म्ड स्पाइडर आई हो गया। तो अभी तो पहला काम, हमें बोटल्स चाहिए। पहले तो बोटल्स बनाते हैं, और बोटल्स बनेंगे ग्लास से। तो ग्लास तो अभी नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। चलो नीचे आते हैं, पास तो भर भर के सैंड्स है। तो भाई हमने यहाँ पर सैंड ले लिया है, तीन सैंड। तो अभी फ्यूल डाल लेते हैं, फ्यूल में बैम्बू डालेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स हैं। तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करना, कमेंट करना कि आप लोगों को और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना है माइनक्राफ्ट में। मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा ग्लास हो चुका है, तो अभी चलते हैं बाबर और बनाते हैं बॉर्डर। तो अभी क्या करना होगा, पानी, पानी तो नीचे है बहुत सारा। चलो पानी भर लिया, हस्क भी आ रहा है इधर। चलो यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड में, ओ भाई ये तो भाई फायर रेजिस्टेंस पोशन, कोई बात नहीं, इनको रखते हैं। अभी जो हमारा काम है, हर एक पोशन का पहला काम होता है नेदर वर्ल्ड देना, नहीं तो पोशन ही नहीं बनेगा। चलो इनको रख देते हैं यहाँ पर अपने अपने जगह पर। चलो
तो भाई हमारा ये तो हो चुका है, अभी ये एवोकेट पोर्शन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें देना होगा, सुनो भाई, पहले ये नहीं ये देना होगा, ठीक है, गोल्डन कैरेट देना होगा। अब जब गोल्डन कैरेट हो जाएगा तब हम ये देंगे। और अगर हम लोग इससे बनाना चाहते हैं कि रुको इनविजिबिलिटी टू तो नहीं होता है शायद से, नहीं इनविजिबिलिटी टू नहीं होता है, तो उसको छोड़ो। तो अभी ये बन जाएगा इनविजिबिलिटी पोर्शन, फिर हमें रेस्टोन यूज़ करना होगा ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए 8 मिनट तक। नॉर्मली इसकी ड्यूरेबिलिटी है होगी 3 मिनट की, तो रेस्टोन के इस्तेमाल से हम लोग इसको बना सकते हैं 8 मिनट तक ड्यूरेबल। तो भाई ये बन चुका है देखो पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी। तो अभी देखो इसमें मैं रेस्टोन डाल देता हूँ, तो अभी ये बन जाएगा द पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ 8 मिनट्स। तो भाई अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे और टेस्ट करेंगे। ये देखो भाई इनविजिबिलिटी हो गया 8 मिनट का। तो भाई अभी मैं आप लोगों को इसका यूज़ बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आप लोगों को यूज़ करना है। पहले आप लोग इसे लगा लो, आप लोगों के दोस्त तो देख पाएंगे क्योंकि ये जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें निकल रही है मतलब धुआं जैसे। तो भाई कोई भी ज़ॉम्बी आप लोग को कहाँ से ज़ॉम्बी हस्क कोई भी ज़ॉम्बी आप लोग को आसानी से देख तो नहीं पाएगा, ठीक है, अगर आपने उसे टच किया तो भाई वो आप लोगों को देख लेगा। देखो ये बाबा खड़ा है, ये आपको नहीं देख सकता, ठीक है, ये आपको नहीं देख सकता। तो अभी अगर आप लोग इसको टच करोगे ये देखो अभी नहीं देख सकता, देखो अभी आप लोगों को देख सकता है, ठीक है, अगर आप लोग फिर से दूर चले जाओगे और छुप जाओगे पीछे किसी की चीज़ के फिर बाहर आओगे, नहीं 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 थोड़ा ज़्यादा ही दूर जाना होगा भाई, मतलब उसके नज़रों से दूर, बहुत दूर रेंज के आउट ऑफ रेंज, तभी जाके ये फिर से वर्क करेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।